यहाँ पर सबसे पहले आपको सईदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र आपको नज़र आ रही है, और हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र के साथ ही, और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की कब्र मुबारक यहाँ पर है, और हज़रत अली ज़ैन अल आबदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक यहाँ पर है, और ये कब्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन बेटियों की, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़य्या और हज़रत कुलथूम रिज़वानुल्लाहि अन्हुमा अजमईन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कब्र मुबारक। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अजमईन की कब्रें मुबारक हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं सईद आयशा अस्सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन, सब उम्महातुल मोमिनीन की कब्र यहाँ पर है ये वाली, और दो उम्महातुल मोमिनीन सईद मैमूना और सईद खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की कब्रें हैं मक्का में। सईद मैमूना की कब्र मुबारक है, आप जब मक्का की तरफ दाखिल हो रहे होते हैं तो तकरीबन 15 किलोमीटर मक्का से पहले सईद मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है, और सईद खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक जन्नतुल माला में है, जिसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ। उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों के बाद फौरन ही यहाँ पर सईदना अकील बिन अबी तालिब और सुफियान बिन अल हारिथ और अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कब्र मुबारक यहाँ पर ये वाली है। यहाँ पर इमाम मालिक की कब्र मुबारक है ये पहले वाली, और शेख नाफ़ बिन अबी नाफ़ शेख अल-कुर्रा रहिमहुमुल्लाह अजमईन की कब्र मुबारक यहाँ पर है, साथ ही शेख मोहम्मद अल-गज़ाली की कब्र मुबारक भी है रहिमहुमुल्लाह अजमईन की। कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अल-गज़ाली की कब्र मुबारक इमाम मालिक की कब्र मुबारक की दीवार के बिल्कुल साथ वाली ही है, अब यानी कि ये जो ऊपर वाली दो कब्रें हैं इनके साथ इनमें से ही एक कब्र है शेख मोहम्मद अल-गज़ाली की। इस जगह पर हज़रत इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और हज़रत उस्मान बिन मदऊन जो कि पहले मदफून हैं जन्नतुल बकी में, यानी कि पहले इंसान की जिसकी कब्र बनी सहाबी की, उनका नाम है उस्मान बिन मदऊन, उनकी कब्र मुबारक, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत असद बिन ज़ुरारा और हज़रत सहद बिन अबी वक़ास की कब्र मुबारक यहाँ पर है, ये जो आपको नज़र आ रही है जगह। इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक, और हज़रत उस्मान बिन मदऊन यानी कि हज़रत उस्मान बिन मदऊन जो थे वो थे पहले जो जन्नतुल बकी में दफन हुए, जब यहाँ पर बकी का बकी अल गरकत कहा जाता था इस जगह को, जब कब्रें नहीं थी यहाँ पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कब्रस्तान यानी कि पहली बार जो कब्र खोदी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे ही खोदी गई, और हज़रत उस्मान बिन मदऊन की कब्र मुबारक सबसे पहले बनी जन्नतुल बकी में जो कि मुहाजिरीन में से थे, उसके बाद अंसार में से सबसे पहली कब्र थी हज़रत असद बिन ज़ुरारा की। तो ये कब्रों का जो मजमुआ है यहाँ पर हज़रत इब्राहिम, हज़रत सैद बिन अबी वक़ास और हज़रत उस्मान बिन मदऊन और हज़रत असद बिन ज़ुरारा की कब्रें मुबारक यहाँ पर हैं रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की, और जन्नतुल बकी 1,80,000 मीटर मुरबा पर मुश्तमिल है। जन्नतुल बकी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतुल बकी में से 70,000 मुबशरीन बिलजन्ना निकलेंगे, यानी कि जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब व किताब के 70,000 लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जन्नतुल बकी में से। और जन्नतुल बकी का पहले नाम जो था वो था बकी अलगरकत। अलगरकत एक दरख्त था जो कि यहाँ पर बकी की जगह पर था, ये यहाँ पर खाली ज़मीन थी, चट्टान थी ज़मीन की, और यहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे अलगरकत के। अलगरकत दरख्त छोटे कद का होता है और कांटेदार होता है वो दरख्त, तो इसीलिए अहादीस में ज़िक्र है बकी अलगरकत का। वैसे हम लोग कहते हैं जन्नतुल बकी और अभी लोग कहते हैं मकबरतुल बकी, ये खाली बकी ही कहते हैं, और ये कब्रें मुबारक हैं शहदा हर्रा की, जिसमें काफ़ी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शहादत हुई थी। इस जंग में सहाबा और ताबईन की काफ़ी शहादतें हुई थी।
और जैसे आपको यहाँ पर ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, दरवाज़े के आपको स्क्रीन के हिसाब से अगर आप देखें तो दाएं हाथ पे, अगर आप दरवाज़े में से दाखिल हो रहे हैं बकी की तरफ तो आपके बाएं हाथ पे इस तरफ हैं कब्रें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों की, सफ़िया व आतका व अरवा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें मुबारक यहाँ पर हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को जन्नतुल माला की वीडियो बना के दिखाई थी, जन्नतुल माला में जिस तरह दफन किया जाता है, जन्नतुल बकी में भी उसी तरह ही दफन किया जाता है उसी तरीके से, और जन्नतुल बकी में भी कब्रें खोली जाती हैं जिस तरह जन्नतुल माला में कब्रें खोली जाती हैं 3-3.5 साल बाद, यहाँ पर 3 से 5 साल के दरमियान में किसी टाइम भी कब्रें खोली जाती हैं जन्नतुल बकी में। और जो अहले मदीना होते हैं या ख़ास तौर पर अगर कोई मदीना में वफात पाते हैं ज़ायरीन में से, जैसे बाहर से लोग आते हैं उम्रे के लिए वफात पा जाते हैं मदीना में, तो उनको भी जन्नतुल बकी में ही दफन किया जाता है। ये देखें ये कब्रें हैं, यहाँ पर ये कब्र खुली हुई है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है तो कब्र को बंद किया हुआ है ऊपर से, वैसे खोद के रखी हुई है ये कब्र, और इसी तरह कब्रें खोदते हैं। ये कब्र मुबारक है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने बचपन में परवरिश भी की, जो दाई थी, ताइफ में लेके गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताइफ से भी आगे बनु सायद का इलाका है वहाँ पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका दूध भी पिया था हलीमा सहदिया रज़ियल्लाहु अन्हा का। उसके बाद यहाँ पर यह जो मजमू कब्रों का नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर है हज़रत अबू सईद अल-खुदरी, जिनकी अहादीस काफ़ी मशहूर हैं, आपने हदीसों में उनका नाम सुना होगा, और सायद बिन माद और फ़ातिमा बिनत असद। हज़रत सायद बिन माद वो शख्सियत थे जिनकी वफ़ात के वक्त अर्शुर रहमान हिल गया, यानी कि हदीस में है कि इनकी जब वफ़ात हुई थी तो आसमान पे अल्लाह ताला का अर्श हिला था इनके इस्तकबाल के लिए, यानी कि इतना पुरजोश इनका इस्तकबाल हुआ था आसमानों पे, इस बारे में हदीस है। और फ़ातिमा बिनत असद हज़रत अली बिन अबी तालिब की वालदा थी रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन। और ये देखें ये सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला गुम्बत खदरा, इसी के नीचे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये देखें ये सामने गुम्बत खदरा, और इसी गुम्बत खदरा के नीचे ही हमारे नबी पाक हबीबुल्लाह हबीबुल उम्मा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहाँ पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व नअम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमईन। ये जो रश आपको सामने नज़र आ रहा है ये है अल खलीफा अल शहीद सय्यिदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक के पास ही है। और कहा जाता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नतुल बकी से बाहर थी इनकी कब्र मुबारक, और जैसे ही जन्नतुल बकी की तौसी होती गई तो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी के अंदर ही आ गई। शुरू में जो जन्नतुल बकी का हिस्सा था वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर था, जैसे ही आप इंटर होते हैं ना मेन गेट से जन्नतुल बकी में, सिर्फ आगे 100 मीटर तक ही जन्नतुल बकी थी, यानी कि बकी का कब्रिस्तान सिर्फ इतना ही था। और फिर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत में यहाँ पर तौसी हुई जन्नतुल बकी की, और उसी तौसी में ही हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में दाखिल हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तौसी होती गई, और ये वाली जो तौसी आप देख रहे हैं जन्नतुल बकी की या अल बकी कब्रिस्तान की, ये जो तौसी आप देख रहे हैं ये किंग फहद के दौर में आखिरी बार हुई थी अल्लाह इरहम। और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर थे, यानी कि पहले 1 बेटी के थे वो वफात पा गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह अपनी दूसरी बेटी के साथ भी कर दिया। तो ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और जब उनको शहीद किया गया तो वो कुरान पढ़ रहे थे। ये एक तस्वीर है उस कुरान की जिसके ऊपर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना खून लगा हुआ है, ये कॉपी है उस कुरान की। असल कुरान जो है वो तुर्की में इस टाइम मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आगे जाके तुर्की भी जाऊँगा और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा, बहुत कुछ आएगा आगे जाके। और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की अगर आप पढ़ें उनके बारे में तो वहीं से ही काफ़ी ज़्यादा फितन और मुस्लिम उम्मा में जो है ना तफरीक, वहाँ से यहूदियों की साजिशों से वहाँ से बहुत बड़ी तफरीक जो है शुरू हुई थी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत
के बाद कहा जाता है कि ये कब्र मुबारक है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की, अल्लाहु अअलम।